छत्तीसगढ़ के दुर्ग में निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि जिले में कुल संसदीय निर्वाचक क्षेत्र 1 है, कुल विधानसभा क्षेत्र 6 है, जिसमें 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 66 वैशाली नगर और 65 भिलाई नगर सहित 67 अहिरवारा विधानसभा तथा आंशिक विधानसभा 68 साजा एवं 69 बेमेतरा हैं। वहीं कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है। हमारा जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्पेशल समरी रिवीजन है उसका आज अंतिम प्रकाशन हुआ है। सभी मतदान केंद्रों में जो हमारी मतदाता सूची है उसका प्रकाशन कर दिया गया है। इसमें जिले में कुल 14,83,8,376 कुल मतदाता हैं आज की स्थिति में। 7,08,020 हमारी महिलाएं हैं और 7,03,01 हमारे पुरुष हैं। इसमें 55 हमारे थर्ड जेंडर के भी मतदाता इसमें हैं और ये जो 1800 से 19 वर्ष के प्रथम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उसमें टोटल जिले में 31,317 मतदाता हैं, जो जनवरी से अब तक 4,500 इस पुनरीक्षण की अवधि के दौरान 4,554 की उसमें वृद्धि हुई है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में भी 1,109 की वृद्धि हुई है। कुल दिव्यांग मतदाता जिले में आज की तारीख में 8,856 हैं और इसके साथ ही जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको एट होम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी वो 13,984 हैं, जो 80 से ऊपर की उम्र के रहते हैं। सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको भी आज हमने ब्रीफ कर दिया है और उनके लिए ड्राफ्ट की जो सूची है उसकी फ़ोटो युक्त हार्ड कॉपी और फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी उनको निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध करा दी गई है। कुछ अगर समस्या रहती है, कुछ जानकारी अगर चाह रहे हैं तो आप ECI वोटर हेल्पलाइन के थ्रू या फिर जो हमारी टोल फ्री नंबर है 1950 1950 उस पर कार्यालयीन समय पर कभी भी संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं।